जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो तमाम परेशानियों के बावजूद अपनी मंजिल पाने से पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसी ही कहानी है हैदराबाद की पहली कॉमर्शियल मुस्लिम महिला पायलट सैयदा सलवा फातिमा की। सैयदा का जन्म मोगलपुरा के एक गरीब परिवार में हुआ। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने आसमान में उड़ने का सपना देखा, जिसे पूरा कर वो दूसरों के लिए मिसाल बन गई। सैयदा सलवा फातिमा के वालिद सैयद अशफाक अहमद एक बेकरी में काम करते थे। बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च पूरा हो पाता था। आर्थिक तंगी की वजह से फातिमा की पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। हालांकि उनके स्कूल की प्रिंसिपल ने उनकी मदद की। दरअसल फातिमा अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। जब वो सेंट एन के जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी, तब उनका स्कूल छूटने वाला था। वालिद के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। फातिमा और उनका परिवार काफी निराश था। ऐसे में प्रोफेसर संगीता ने फातिमा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, फीस भरकर उनकी पढ़ाई जारी रखने में मददगार बनी। सैयदा सलवा फातिमा महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद पायलट बनने का अपना सपना पूरा किया। हैदराबाद की रहने वाली फातिमा भारत की उन चुनिंदा मुस्लिम महिलाओं में शामिल हैं जिनके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। उनके वालिद और पूरे परिवार ने उनको बहुत सपोर्ट भी किया। वालिद प्यार से बेटी को मिरेकल गर्ल कहते हैं। वहीं फातिमा ने पहली बार तेलंगाना एविएशन एकेडमी में सेसना स्काईवॉक पर आसमान में उड़ान भरी थी। आज वो एयरबस 320 उड़ाती हैं। वो एक टॉप प्राइवेट एयरलाइन की ऑफिसर हैं। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक फातिमा कहती हैं कि फ्लाइंग एक टफ प्रोफेशन है। पायलट को अपनी चिंताओं को कॉकपिट के दरवाजे के बाहर रख कर आना होता है। मुझे मेरे पेरेंट्स, शौहर और ससुराल वालों का बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं अपने सपने को साकार कर पा रही हूँ। फातिमा की इस कामयाबी पर जनता ने भी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी है। ज्ञान प्रकाश यादव नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया, बधाई एवं शुभकामनाएं, देश की सभी महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। अब्दुल्ला नाम के एक शख्स ने लिखा, ये न्यूज़ उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते हैं हिजाब पहनकर पढ़ नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते। सलमान नाम के एक शख्स ने लिखा, एक दिन हिजाब वाली महिला हमारे देश भारत की प्रधानमंत्री होगी। मैं जब स्कूलिंग कर रही थी 9th स्टैंडर्ड में, मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, ऐसी बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर टेबल पे पढ़ा था। जब मैंने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उसमें एक आर्टिकल था एविएशन के बारे में। उसमें लिखा था कि ऑल ओवर इंडिया में देर आर 3 वुमेन पायलट्स और एक भी नाम मुस्लिम्स में नहीं था। तो वो चीज़ मुझे अंदर से कहने लगी कि क्यों मुस्लिम लेडीज़ ये काम नहीं कर सकती। तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि आगे चलकर मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, क्योंकि ये कॉमन फील्ड है, या तो मैं एक IAS या IPS ऑफिसर या फिर एक पायलट बनूंगी। ये गोल मेरे दिमाग में 9th स्टैंडर्ड से था और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ मैंने इस चीज़ को अचीव किया है। आपको बता दें, फातिमा का कहना है कि हिजाब जो मैं हवाई जहाज उड़ाते समय पहनती हूँ, उसे मुझे मेरी एयरलाइन ने बतौर उपहार हमें दिया था। मेरे साथ कभी किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं किया गया। सैयदा सलवा फातिमा के सपने को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने भी उनकी बहुत मदद की। न्यूजीलैंड और बहरीन में फॉरेन एविएशन एकेडमी से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्हें पायलट का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। वो इस समय टॉप एयरलाइन में नौकरी कर रही हैं। गुजरते समय को याद करते हुए फातिमा कहती हैं कि मैं पायलट बनना चाहती थी, लेकिन हवाई जहाज के टिकट खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे। हालांकि मेरी पहली उड़ान यात्री सीट से नहीं बल्कि कॉकपिट से थी। राज्य की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी फातिमा की इस कहानी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।